नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, यानी कि पर्यावरण, जो कि आपका जेएसएससी में पूछा जाएगा। और देखिए, जेएसएससी का और साथ में जो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है, तो उसमें आपका ये सब्जेक्ट उसमें आपको मिलेगा और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। और इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बात करें तो रिसेंट ईयर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं, तो उसमें से आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना होगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसका जितना भी लेक्चर्स कवर किया हुआ है, तो हमने सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको सारा वीडियोस इन्वायरमेंट के जितना भी अभी तक हमने किया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में देखिए, हमने और भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का हो गया, इसके अलावा जनरल साइंस का है, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, और झारखंड जीके का भी हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको सभी को अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग देखते चलिए। और जल्द ही हम लोग इसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपका, तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, हम क्लास के बारे में बात करते हैं इसका। तो प्रीवियस क्लास में हमने इन्वायरमेंट में हमने स्टडी किया था, जैसे कि जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स आपके होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड हो गया, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो वो जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी थे, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें देखेंगे एयर पोल्यूटेंट के कैटेगरी में पर्टिकुलेट मैटर के बारे में देखेंगे, और इसमें फिर देखेंगे स्मॉग, और उसके बाद जो टाइप्स होते हैं उससे वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम पर्टिकुलेट मैटर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलेट मैटर होता क्या है? तो देखिए, जो पर्टिकुलेट मैटर है, ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, यानी कि जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि धूल हो गया, उसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा जो सॉयल्स होते हैं, या फिर जो और भी जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, तो जब ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के साथ, क्योंकि देखिए एटमोसफेयर में लिक्विड ड्रॉपलेट्स इजिली अवेलेबल है, तो उन सभी चीज़ों के साथ जब ये मिल जाएगा, इन ये सारे चीज़ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ ये मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? पर्टिकुलेट मैटर बनाते हैं। तो इसीलिए पर्टिकुलेट मैटर क्या हो गया, ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स का और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का। अब यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यदि हम बात करें, यहाँ पे एसिड के बारे में बात करें, एसिड भी हो सकते हैं। तो एसिड में जैसे कि आपका नाइट्रेट्स हो गया, सल्फेट हो गया, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ मेटल्स भी होते हैं, सॉयल्स भी होते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो यही सारे जो कंपोनेंट्स है, जब ये स्मॉल पार्टिकल जो है, जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ जब मिलेंगे, तो यही पर्टिकुलेट मैटर बनाते हैं। तो देखिए, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, जैसे कि स्नो हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, सूट हो गया, फ्यूम्स हो गया, तो ये अलग अलग कैटेगरी होते हैं। तो इनमें से कुछ नेचुरल फिनोमिना के चलते भी बनते हैं, और कुछ मैनमेड फिनोमिना के चलते भी बनते हैं। तो यदि हम इनको कैटेगरी में बांटेंगे, कि जैसे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जो है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलेंगे, तो वो नेचुरल भी हो सकते हैं, और वो मतलब कि मैनमेड तरीके से भी किया जा सकता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पर्टिकुलेट मैटर का, कि जो नेचुरल है, मतलब कि एग्जांपल है वो किसका, पर्टिकुलेट मैटर नेचुरल सोर्स का, तो जैसे इसमें आपका हो जाएगा रेन हो जाएगा, यानी कि जो वर्षा होती है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जो स्नो हो गया, यानी कि जो स्नो आपका रहता है वो हो गया, इसके बाद फॉग हो गया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉग क्या है यहाँ पे, और उसके बाद हेल हो गया और मिस्ट हो गया, तो ये चीज़ हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। तो ये बस आप लोग एग्जाम्पल अभी याद रखिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो नेचुरल पर्टिकुलेट मैटर का है। उसी तरीके से यदि हम मैन मेड की भी बात करें, तो कुछ ऐसे भी जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, कि जो ह्यूमन मेड प्रोसेस के चलते वो रिलीज होते हैं। तो जैसे कि आपका स्मोक हो गया, तो स्मोक जो आपका है, कि जैसे धुआं आपका हो गया, इसके अलावा जो सूट है और फ्यूम्स है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कि ये क्या क्या है। बस अभी आप लोग एग्जाम्पल याद रखिए कि कौन सा मैन मेड है और कौन सा आपका यह नेचुरल फिनोमिना का है। तो अब देखिए, इनका जो पेनिट्रेशन होता है, यानी कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, तो ये वेरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, वो उतना ही ज़्यादा इनका पेनिट्रेशन होगा इनका। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ पार्टिकुलेट मैटर को डिस्कस कर लेते हैं, कि जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसमें देखिए, पहला आपका है हेल है। तो देखिए, ये क्या होता है, कि जैसे जब बारिश होती है, तो उसके साथ में जो बर्फ़ होते हैं, यानी कि आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो जब धरती पे आ जाते हैं, यानी कि पानी के साथ साथ में, वर्षा के साथ साथ में, तो इसी को हम लोग हेल बोलते हैं। जैसे कि इसको हेल स्टॉर्म भी बोला जाता है, यानी कि बर्फबारी इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आइस क्रिस्टल्स रहेंगे, तो ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, या फिर कोई बहुत छोटा होगा, तो इनमें वेरिएशंस होता है, सभी एक ही साइज के यहाँ पे नहीं होंगे।
ये क्या हो गया हेल आपका कि प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड, यानी कि पानी के जगह पे क्या होगा यहाँ पे बर्फ की, यहाँ पे क्या होगा बने की वही वर्षा होगा, तो इसी को हेल बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे फॉग है, तो फॉग हम लोग ये बोलते हैं ये एक टाइप का एक लो लाइंग क्लाउड होता है बेसिकली, यानी कि एक बादल हो गया निचला बादल, जो सबसे नीचे वाला जो बादल होता है, तो वही एक टाइप का ये एग्जाम्पल है। तो देखिए इसके अंदर में टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, यानी कि जो पानी के छोटे पानी के बूंदे होते हैं या फिर आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अधिकतर आपको ये ठंड के दिनों में देखने को आपको मिलता होगा। तो ठंड के दिनों आपने देखा होगा कि जो कोहरा आपका छाया रहता है, तो उसी को फॉग बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये सब पर्टिकुलेट मैटर के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद अगला देखिए इसमें मिस्ट है, तो मिस्ट देखिए ये क्या होता है यहाँ पे कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि जो पानी के जो कण होते हैं, जब वो ठंडे वातावरण को जब आपस में मिलेंगे, यानी कि ठंडे वातावरण जहाँ पे भी मिलेगा, तो वहाँ पे इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए ये एग्जांपल आपका हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि जब आप यानी कि ठंड के दिनों में जब आप यानी कि जो आप एयर इनहेल करते हैं आप अंदर में, तो यानी कि एक्सहेल करते हैं आप, तो देखते होंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा धुआं टाइप का आपका बाहर निकलता है, तो वो आपका क्या होगा मिस्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो यही चीज़ मिस्ट आपका हो गया। तो ये बस सारा चीज़ आपको वो पॉइंट ही है जो कि आपको बस समझना है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे क्या है, सूट है। तो देखिए सूट का मतलब होता है कि जब आप गाड़ी आपने देखा होगा तो गाड़ी में से धुआं आपका निकलता है ऊपर में, लेकिन जब देखते होंगे कि जब अच्छे तरीके से जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसके अंदर में, तो जब वो अच्छे तरीके से उसका कम्बशन नहीं होगा, मतलब कि वो पूरी तरह से उसका अच्छे तरीके से उसका कम्बशन जब नहीं होगा, तो वहाँ पर देखते होंगे कि काला धुआं निकलता है, तो इसी को हम लोग सूट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीका का इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल के चलते निकलने वाला धुआं हो गया, ये सूट आपका हो गया। तो ये क्या है, ये सारे पर्टिकुलर मैटर के ये एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पे फिगर से समझाने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे ये सब बताया था। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा और इसके रिगार्डिंग आपको क्लियरिटी हो गया होगा। तो अब पर्टिकुलर मैटर आपका इससे आपको कहीं भी देखने को मिलेगा कि जैसे हेल हो गया, फॉग हो गया, सूट हो गया, मिस्ट हो गया, तो आप लोग इजिली इसको अब समझ लीजिएगा कि ये क्या होते हैं एक्चुअली में। अब आइए हम लोग यहाँ पे स्मोक के बारे में देखते हैं कि ये क्या है और ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या मतलब कि इफेक्ट्स होते हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो स्मोक है ये मिक्सचर होता है, जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया और स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग्स हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको फॉग के बारे में आपको बताया था कि ये फॉग क्या होता है, कि ये जनरली इसके अंदर में मतलब कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहते हैं, तो उसी को मतलब बोलते हैं कि ये एक टाइप का एक क्लाउड का फॉर्मेशन करता है जो ठंड के दिनों में रहता है। तो ये जब फॉग है आपका हो गया और साथ में जो स्मोक है यानी कि जो धुआं होते हैं वो हो गया, इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो जब ये आपस में मिलेंगे यानी कि जब इनका मिक्सचर होगा, तो उनसे फिर क्या बनता है, स्मोक बनता है। तो देखिए ये जो स्मोक है ये आजकल जैसे कि जो भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ की यदि हम बात करें, जैसे कि दिल्ली का यदि हम बात करें, तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, और जब यही जो फॉग आपका है जैसे कि जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं कि जो प्रेजेंट रहते हैं जो ठंड के दिनों में आते हैं, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो एक तरह का क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि अब आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपका फॉर्मेशन है स्मोक का और ये आपका है कि जब क्लीन इन्वायरमेंट है उस समय की है, तो इस तरह का नज़ारा कुछ देखने को मिलता है जहाँ पे भी स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्मोक का, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और ये केवल इंडिया की ही नहीं, मतलब कि जितने भी सिटीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये सभी जगह की ये प्रॉब्लम है इस तरीके के। तो जब ये देखिए स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ जो स्मोक जो मतलब ये रहेंगे यहाँ पे कोई भी रहेंगे, तो इनसे पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि देखिए क्या होता है यहाँ पे कि ये जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ स्मोक जो होते हैं इसके अंदर में मतलब कि पॉइजनस गैस प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो ये जब फॉसिल फ्यूल जो भी हम लोग बर्निंग करते हैं या फिर जो फैक्ट्रीज में या ऑटोमोबाइल्स के अंदर में जो भी रन करते हैं हम लोग, तो उनसे जो हार्मफुल गैसेज जो निकलते हैं यहाँ पे, तो वही सारे जो मतलब क्या रहते हैं इसके अंदर में आके शामिल हो जाते हैं। तो जब ये शामिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जो एयर रहेगा, एयर क्वालिटी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, या फिर वो बहुत ही मतलब कि जो नेचर जो होता है उसका वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। और उसका जब एयर क्वालिटी इंडेक्स है जब वो एक लेवल से ज़्यादा चला जाएगा, तो वो क्या है इन्वायरमेंट के लिए तो वो नुकसान तो है ही, और साथ साथ में जो पर्सन जो हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम कॉज करती है। जैसे कि अस्थमा का जो पेशेंट होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर जो इससे रिलेटेड बहुत ही रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती हैं वो सारे कॉज होते हैं। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि ठंड के दिनों में यदि आपने देखा होगा कि कितने सारे जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो कॉज होते हैं जब एयर क्वालिटी जब बहुत ही ख़राब हो जाती है।
तो ये सारे देखिए ये स्मॉग का ही कारण होता है यहाँ पे। तो देखिए यदि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जो स्मॉग है तो ये क्या हो गया, तो ये कम्बिनेशन होता है फॉग और प्लस स्मॉग का। तो स्मॉग मतलब आपका जैसे कि धुआं हो गया और साथ में फॉग हो गया, तो जब ये दोनों कंबाइन जब होते हैं यहाँ पे तो ये क्या बनता है आपका, ये स्मॉग बनता है। तो स्मॉग के अंदर में बहुत सारे हार्मफुल जो गैसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कि जो कि बहुत सारे जो डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे आगे कि जब इसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे तो। और देखिए स्मॉग जो होता है तो ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मॉग और एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो एक का फॉर्मेशन जैसे कि ठंड के दिनों में होता है और एक यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये गर्मी के दिनों में फॉर्मेशन होता है और इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि इन रूरल एरियाज व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द पर्टिकुलेट पॉल्यूशन, यानी कि जो पर्टिकुलेट पॉल्यूशन जो होती है रूरल एरियाज के यदि हम बात करें तो उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब है कि कौन सा कंट्रीब्यूशन के चलते ये अराइज हुआ है प्रॉब्लम। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या है इसमें, पहला आपका दिया हुआ है इनकम्प्लीट कम्बशन इन व्हीकल्स, दूसरा आपका है कि यूजिंग वुड फॉर फायर एंड कुकिंग। तो देखिए सेकेंड वाला आपका क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लकड़ियाँ जो यूज करते हैं फायर और कुकिंग के लिए, तो यही क्या है पर्टिकुलेट पॉल्यूशन को मतलब कंट्रीब्यूट करता है यदि हम रूरल एरियाज की बात करें तो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला देखिए है कि स्मोक इज, तो स्मोक क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है स्मोक और फॉग का कम्बिनेशन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। तो बस आपको यही सारे पॉइंट आपको नोट करते चलना है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ भी आएगा तो वो आप लोग इजिली कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे, जैसे कि स्मोक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप के स्मोक होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मोक और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो यही चीज़ हमको समझना है यहाँ पे। तो देखिए जो क्लासिकल स्मोक होता है इसका फॉर्मेशन होता है कि जब मान लीजिए कि जो स्मोक आपका हो गया जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया और फॉग है, तो फॉग के अंदर में यदि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी कि जो पोल्यूटेड एयर में जो प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, तो जब ये आपस में मिक्सचर जो होंगे कंबाइन करेंगे तो इनसे क्या बनेगा, क्लासिकल स्मोक बनेगा यहाँ पे। तो मेन चीज़ आपको इसमें पॉइंट ये नोट करना है कि जो फॉग के अंदर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब इसके अंदर में होना चाहिए, तो ये क्या बनाएगा क्लासिकल स्मोक बनाएगा। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि जैसे फोटोकेमिकल स्मोक आपका है तो ये क्या है कि ये एक टाइप का वो स्मोक है कि जो इसके अंदर में कॉम्बिनेशन ये किससे किससे बनता है, तो पहला आपका स्मोक हो गया, डस्ट हो गया और फॉग है, तो फॉग के अंदर में जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड होना चाहिए, तो जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉग के अंदर में है और बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स है या स्मोक है, तो जब ये मिक्सचर आपस में कंबाइन करेंगे तो इनसे क्या बनेगा फोटोकेमिकल स्मोक, मतलब कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इनके बीच में, तो उसके चलते यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक का फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो बस आपको यही दो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए फॉग यहाँ पे आपका जैसे कि क्लासिकल स्मोक है, तो इसके अंदर में फॉग के अंदर में क्या होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए, और वहीं पे फोटोकेमिकल स्मोक है तो इसके अंदर में जो फॉग रहता है तो उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे कंपैरिजन के लिए याद रखना है। अब इसके अलावा देखिए यदि हम बात करते हैं क्लासिकल स्मोक की, तो ये ऐसे एरिया में ये मतलब कि निर्माण होता है या आपको क्लासिकल स्मोक जो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है कि जहाँ पे क्लाइमेट क्या है कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, यानी कि ठंडा क्लाइमेट हो, यानी कि ठंड के दिनों में अधिकतर ये आपको देखने को मिलेगा, और जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है एयर में, यानी कि ये जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो जैसे मेट्रो सिटीज़ के यदि हम बात करें, तो अभी देखिए करंट का जो दिल्ली के यदि हम बात करें तो वहाँ देखिए आपने देखा होगा कि जैसे वहाँ पे जो स्मॉग रहती है वो उसका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा है, इसी के चलते क्या हो रहा है वहाँ पे क्लासिकल स्मॉग की फॉर्मेशन हो रही है। और वही हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग की, तो ये उस एरियाज में होते हैं कि जहाँ पे वार्म और ड्राई क्लाइमेट हो, यानी कि सनी क्लाइमेट हो, यानी कि ये अधिकतर आपको गर्मी के दिनों में देखने को मिलता होगा फोटोकेमिकल स्मॉग। और क्योंकि देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये उस समय प्रोड्यूस होता है कि जहाँ पे मतलब क्या है कि जो प्राइमरी जो पोल्यूटेंट जो होते हैं, तो जब वो रिएक्शन होता है इनका सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट तो जैसे कि ये सनी डेज में आपको मिलेंगे अधिकतर, यानी कि गर्मी के दिन आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो वहीं पे फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़्यादा होता है प्राइमरी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके साथ में।
तो इसीलिए फोटोकेमिकल स्मोक आपको कब मिलेंगे, ये आपको ड्राई और जबकि मतलब कि वार्म क्लाइमेट रहते हैं उस समय, यानी कि समर सीजन में आपको मिलेगा देखने को ये। और वहीं पे जैसे ये आपको बताया थे क्लासिकल स्मोक है, तो ये आपको कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में यानी कि विंटर सीजन में आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा ये। अब देखिए ये जो क्लासिकल स्मोक था ये सबसे पहले ये जैसे कि ऑब्जर्व किया गया था 1952 में लंदन में, और सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था कि उस समय क्या हुआ था कि जो सिटी था लंदन ये पूरे स्मॉग से लगभग 5 दिनों तक लगातार ये कवर्ड था, कि जिनसे बहुत सारे पर्सन्स की डेथ हुई थी इसमें। तो वही से इसको दूसरा नाम से भी जाना आता है, जैसे इसको लंदन स्मॉग के नाम से भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो बेसिकली क्लासिकल स्मॉग है तो ये एक तरह का जो इसके अंदर में जो मिक्सचर होते हैं वो एक रिड्यूसिंग मिक्सचर होते हैं इनके अंदर में जो भी रहते हैं, तो इसीलिए इसको रिड्यूसिंग स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे चाहे क्लासिकल स्मॉग हो या लंदन स्मॉग हो या रिड्यूसिंग स्मॉग हो, तो वो सारा चीज़ एक ही नाम होगा। और इसको रिड्यूसिंग स्मॉग क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर में रिड्यूसिंग मिक्सचर होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग स्मॉग। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे दोनों के बीच में। तो देखिए एक जैसे कि नाम इसका है एक लंदन स्मॉग है, तो लंदन स्मॉग हम लोग बोलते हैं ये जैसे कि आपका वो वाला था, यानी कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल स्मॉग है उसके बारे में, और जो आपका यहाँ पे दूसरा है यानी कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसको लॉस एंजलस स्मॉग भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये लॉस एंजलस सिटी में ये ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों का कंपेरिजन है कि जैसे यहाँ पे पहला आपका है लॉस एंजलस स्मॉग है या फोटोकेमिकल स्मॉग है, और यहाँ पे आपका क्लासिकल स्मॉग है कि जिसको हम लोग लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बीच में देखिए कंपैरिजन आपका है, तो पहला है कि एयर का टेम्परेचर, यानी कि एयर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसको फॉर्मेशन होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 24 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। और वहीं लंदन स्मॉग की या क्लासिकल स्मॉग की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका होना चाहिए -1 से लेकर 4 डिग्री टेम्परेचर तक ये होना चाहिए। और वहीं देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये greater than 70% होना चाहिए, और इसके लिए देखिए 85% होना चाहिए कि जिसमें फॉग हो। उसके बाद फिर देखिए विजिबिलिटी जो होती है तो ये आपका दिया हुआ है कि जब मतलब कहीं भी फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन हो जाएगा एनवायरमेंट में तो विजिबिलिटी कितना रहती है, तो 0.8 से लेकर 1.6 किलोमीटर तक ही रहेगी। लेकिन जब क्लासिकल स्मोक का जब फॉर्मेशन हो जाती है तो देखिए इसमें जो विजिबिलिटी रहती है तो ये केवल लगभग मतलब 30 मीटर तक ही ये रहेगा आपका। फिर उसके बाद देखिए अगला इसमें है कि मंथ मतलब किस मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये देखिए अगस्त से सितंबर के बीच में ये ऑब्जर्व मतलब आपको फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलेगा। और जो लंदन स्मॉग है या क्लासिकल स्मॉग है तो ये मोस्टली दिसंबर या जनवरी मंथ में आपको देखने को ये मिलेगा। तो ये सारा कुछ ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे। और उसके बाद देखिए कि किस समय मतलब ये ऑब्जर्व होता है, तो ये मिड डे में ऑब्जर्व होगा आपका लॉस एंजलस स्मॉग, क्योंकि देखिए ये सनी डेज मतलब कि डायरेक्टली सनलाइट से इसका रिलेशन होता है, तो आपको मिड डेज में ये देखने को मिलेगा। और ये जो रहता है क्लासिकल स्मॉग आपका है तो ये अर्ली मॉर्निंग आपको ज़्यादा दिखाई देता होगा। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो कोहरा जो छाई रहता है आपका, तो वो देखते होंगे कि सुबह के समय बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है या दोपहर होती है तो वो धीरे धीरे वो छटने लगता है। तो ये चीज़ आप लोग अपना जो जनरल एनालिसिस है या जनरल ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे भी इसको आप कंपेरिजन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए अगला है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है मेजर फ्यूल्स, यानी कि मेजर फ्यूल्स वो कौन से हैं कि जो इन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यदि हम फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो इसमें देखिए ऑयल्स है, यानी कि जो ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो क्लासिकल स्मोक की बात करें तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे कि कोल और ऑयल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो कोयला हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो ऑयल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सारा इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इसको जैसे स्प्रेड करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है कि जो मतलब जिनसे फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन होती है, तो इसमें देखिए आपका क्या क्या है, पहला ओजोन हो गया, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है आपका इसमें। फिर उसके बाद इधर हम बात करें क्लासिकल स्मोक की, तो इसके अंदर में जैसे कि पार्टिकल्स आपके होते हैं, जैसे सूट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके बाद सल्फर कंपाउंड हो गया, तो ये सारे काउज करेंगे क्लासिकल स्मोक को काउज करेंगे। और यदि हम केमिकल कंडीशन की बात करें तो जैसे कि देखिए ये जो लॉस एंजलस स्मोक है तो ये ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है, और ये जो लंदन स्मोक है तो ये रिड्यूसिव रिडक्टिव और एसिडिक नेचर का ये होता है ये बेसिकली। और यहाँ पे देखिए यदि हम हेल्थ इफेक्ट की बात करें कि इससे क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए फोटोकेमिकल स्मोक है तो इससे बेसिकली लंग का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कफनेस कफ हो जाएगा, या फिर जो ब्रीथनेस होती है उसमें शॉर्टनेस हो जाएगी, यानी कि जो लोगों का जो सांस लेने की जो वो क्या होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा देखिए और भी इसके रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे आई का इरिटेशन, आई में इरिटेशन होना,
और यही हम बात करते हैं लंडन स्मोक की, क्लासिकल स्मोक की, तो यहाँ पे जनरली ब्रोंचियल इरिटेशन होती है। ब्रोंचियल इरिटेशन मतलब कि जो आपका यानी कि जो ब्रोंकीज जो होते हैं, यानी कि जो ट्यूब होते हैं जिससे कि एयर पासेस होते हैं, तो उनमें स्वेलिंग हो जाना, तो ये कंडीशन इसमें से एराइज हो सकता है, या फिर जो ट्यूब रहती है, जो विंड पाइप रहती है, तो उसमें इरिटेशन होना। इसके अलावा कफिंग भी हो सकती है। तो मोस्टली देखिए यहाँ पे जो ये जो भी मतलब है, तो इनसे रेस्पिरेटरी डिजीज ही ज़्यादा अधिकतर होता है, यानी कि सांस लेने में ही अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि मटेरियल्स के ऊपर में इनका इफेक्ट क्या होता है, कि जैसे रबर क्रैक हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि कोरोजन हो सकता है लंडन स्मोक से, क्लासिकल स्मोक से। और उसके बाद देखिए इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स के हम बात करें, तो ओजोन जो मतलब रहते हैं इसके अंदर में, जो आपका यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक है, तो प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लंडन स्मोक है या फिर जो क्लासिकल स्मोक है, तो इसके अंदर में जैसे कि SO2 रहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो पार्टिकल्स और भी जो एसिड के फॉर्म में जो रहते हैं, तो वो डैमेज कर सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स को। तो ये चीज़ हमने अदर जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों का कंपेरिजन मैंने आपको करा दिया यहाँ से। यहाँ से अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन यदि इनसे आता है, तो वो आप लोग इजिली कर लीजिएगा। तो आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से देखिए मैं आपको जितना भी इसका पार्ट होगा वो आपको ख़त्म कराते चलेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, आप लोग भी एट इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि द कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर में कॉज, यानी कि जो जो रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो प्रेजेंट होते हैं, तो यदि उनका हाई कंसंट्रेशन में यानी कि उनका एक्सपोजर कोई पर्सन से होता है या फिर वो होते हैं इनके थ्रू, तो इनसे क्या क्या डिजीजे हो सकते हैं। तो देखिए जो मोस्टली जो एयर पर्टिकुलेट मैटर या सॉरी जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, तो इनसे जो भी डिजीज होती है, तो वो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज ही होती है। तो इससे क्या होगा आंसर आपका, आंसर सी हो जाएगा, यानी कि फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें फेलियर हो सकता है, यानी कि लोग सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर जो सांस लेने की क्षमता उनका खो सकता है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, मतलब कि जो भी पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो उनसे ये काउज होगा इनका। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द फोटोकेमिकल स्मोक इज, तो फोटोकेमिकल स्मोक ये क्या है, तो देखिए ये एक टाइप का एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल स्मोक क्यों है, क्योंकि ये जो फोटोकेमिकल स्मोक का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये बहुत सारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और जब उसके साथ में बहुत सारे और जो पार्टिकल्स रहते हैं, जब आपस में मिक्सचर होते हैं या कंबाइन होते हैं, तो उनसे ही मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, कि जो केवल मतलब कि जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और उनसे जो भी प्रॉब्लम काउज होती है, तो वो होते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, कि जो प्राइमरी और जो अदर कंपोनेंट है उनसे मिल के जो कंबाइन होकर बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो उसी तरीके से फोटोकेमिकल स्मॉग ही है, तो ये भी क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे कंपोनेंट का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आपको आया होगा अब ये। तो देखिए यहाँ पे आपका जो स्मोक था और इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलेट मैटर जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, वो आपका यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो अब इसके बाद इसी तरीके से हम लोग आपका फिनिश कराते चलेंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अमाउ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए लेक्चर लाते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।